भजन संहिता अध्याय 38 भजन संहिता अध्याय 38 हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण से मेरे कूड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं। मैं अपने मन के घबराहट से कराहता रहा, हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सन्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए, और मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहिरे की नाई सुनता ही नहीं और गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। क्योंकि हे यहोवा, मैंने तुझ पर ही अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने पर ही हूं और मेरा शोक निरंतर तेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं वह मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर।